गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स मैं कमलेश गंगवार आपकी हिंदी अध्यापिका आज हम सभी हिंदी व्याकरण में अध्याय पाँच जिसका नाम है संज्ञा के विकार पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम वचन किसे कहते हैं वचन के कितने प्रकार होते हैं यह पढ़ेंगे तो आइए सबसे पहले आप ये एक दृश्य देख रहे हैं इस दृश्य में क्या है कुछ वस्तुएँ या प्राणी या व्यक्ति एक ही हैं जैसे कि लड़की झूला दादी आदि इसी तरह से ये दूसरा दृश्य आप देख रहे हैं इसमें क्या है कुछ वस्तुएं या व्यक्ति संख्या में अधिक हैं जैसे कि फूल बहुत सारे हैं तितलियां, पक्षी पेड़ पौधे लड़के आदि तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं अर्थात शब्द के जिस रूप से एक उसकी संख्या का एक या हो एक या अनेक होने का बोध हो या पता चले वो हमारा वचन कहलाता है अब वचन के भेद वचन के कितने भेद होते हैं वचन के दो भेद होते हैं एक बचन और बहुवचन अब एक पुस्तक है तो एक बचन और एक से अधिक तो क्या कहलाएगा हमारा बहुवचन नेक्स्ट एक बचन किसे कहते हैं तो एक बचन किसे कहेंगे हम जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक बचन कहते हैं जिस शब्द से हमें क्या पता चले एक होने का पता चले वो हमारा एक बचन कहलाता है जैसे कपड़ा बाल्टी चिड़िया पुस्तक घड़ी ये सब हमारे क्या है एक बचन के उदाहरण हैं अब बहुवचन बहुवचन जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं अर्थात जहाँ पर संख्या जिस शब्द के रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध कराए वो हमारा बहुवचन कहलाता है जैसे बच्चे पुस्तकें बाल्टियाँ यहाँ पर देखिए बच्चे एक से अधिक हैं पुस्तक भी एक से अधिक है और बाल्टियाँ भी एक से अधिक हैं तो ये सारी क्या कहलाएंगे हमारे बहुवचन के उदाहरण अब कुछ शब्द हमारे सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं जैसे कि प्राण दाम दर्शन दुर्लभ आंसू सोना धन समाचार होश भाग्य ये शब्द हमारे ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम सदैव बहुवचन के रूप में कहते करते हैं जैसे कि आप इसमें से एक ले लीजिए प्राण अगर हम कहें कि उसके प्राण निकल गए तो हम यही कहेंगे उसके प्राण निकल गए ना कि ये कहेंगे उसका प्राण निकल गया तो ये सारे शब्द हमारे किस में यूज होते हैं बहुवचन के रूप में कुछ शब्द हमारे हमेशा एक के रूप में प्रयोग होते हैं जैसे कि नल बादल आकाश प्रजा पाप क्रोध प्रेम चीनी पराजय ये शब्द क्या है? हमारे सदैव एक बचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं बहुवचन का प्रयोग करते हैं जैसे कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं है होता है एक बचन और हैं बहुवचन तो हम अपने मास्टर जी के लिए क्या सम्मान जब प्रकट करेंगे तो हम कहेंगे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं मेरी माताजी बाहर गई हैं, पिताजी आप कब आए एक बचन से बहुवचन बनाना अब लड़का का बहुवचन क्या होगा लड़के बहन का बहने आँख का आँखें सड़क का बहुवचन सड़कें, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें बात का बहुवचन बातें बेटा का बहुवचन बेटे घोड़ा का बहुवचन घोड़े इसी तरह से बहुवचन से भी एक वचन में बनाया जाता है तो बहुवचन से एक वचन बनाएंगे तो केला का क्या केले का क्या होगा केला कन्याए कन्या कविताएं कविता अब अध्यापिकाएं हमारा बहुवचन है अध्यापिका क्या होगा एक वचन नदियाँ नदी थालियाँ थाली अंगूठियां अंगूठी धातुएं धातु धन्यवाद